नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव फैशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बॉडी के ऊपर नाप लेकर प्लाजो पैंट का कटिंग किस तरह से किया जाता है, और ये सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस मेथड के जरिए आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी साइज का प्लाजो पैंट कटिंग कट कर सकते हो, और वो भी बड़े आसानी से। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे। उसी व्हाट्सएप के जरिए आप कुछ पैसे कमा सकते हो। कुछ क्यों, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप इसे चाहो तो पार्ट टाइम जॉब समझकर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे फुल टाइम जॉब समझकर भी पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पैसा लगाना नहीं है, कहीं घर के बाहर जाना नहीं है। मीशो ऐप के जरिए बस अपना व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए आप इस बिजनेस को घर बैठे चला सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। ये प्रोसेस मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगी, लेकिन उसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो ऐप की लिंक दे दी है, वहां जाकर उसे डाउनलोड कीजिएगा। चलिए हमारा प्लाजो पैंट कटिंग का वीडियो हम शुरू करते हैं। अब हम नाप बॉडी के ऊपर किस तरह से लेते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। जहां पर आप प्लाजो पैंट पहनते हो वहां पर टेप को पकड़िएगा। ऊपर पहनते हो तो ऊपर पकड़ो, नीचे पहनते हो तो नीचे पकड़ो। वहां पर अच्छे से पकड़ते हुए नीचे तक, यानी जमीन को टेप टच होना चाहिए, इस तरह से आपको पकड़ना है। और जहां पर जमीन को टच होता है वहां देखिएगा कितना है, मेरा आ रहा है 40 इंच। अब हम हिप राउंड नापेंगे। अब जब जहां पर आपका हिप की पूरी गोलाई है वहां पर गोलाई में टेप को लेना है, इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। और यहाँ पर देखिएगा आपका कितना आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 40 इंच। अब हम मोरी नापेंगे। तो मोरी के लिए आपको उंगलियों के ऊपर पैर को खड़ा कीजिएगा, और आपकी जहाँ पर एड़ी है एड़ी से होते हुए टेप को गोलाई में लीजिएगा और इस तरह से नापिएगा। तो ये मेरा 12 इंच है। अगर मैं थोड़ा लूज भी रखूँ तो यहाँ पर चलेगा, तो कम से कम आपको इतना लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से गोलाई मेरी रहेगी 12 इंच पर। चाहो तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन 12 इंच मुझे कंफर्टेबल है। अगर आप लूज प्लाजो पहनते हो तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हो। अब घुटने की गोलाई नापेंगे। यहाँ पर मेरा घुटना है, उससे 3 उंगली ऊपर, यानी कि 2 से 3 इंच ऊपर आपको यहाँ पर गोलाई नापनी है। तो ये गोलाई आप इस तरह से नहीं नापोगे, तो ये इस तरह से नापोगे तो ये फिट टाइट हो जाएगा। तो आपको पैर को इस तरह से मोड़ना है और फिर यहाँ पर टेप को गोलाई में लेते हुए नापना है। तो आप देख सकते हो मेरा आ रहा है 18 इंच, मतलब 18 इंच। अब जब आप पैर सीधा करते हो तो ये जो 18 इंच है ये आपको इस तरह से बैठेगा, मतलब जब भी आप पैर फोल्ड करते हो, मोड़ते हो, तो आपको पैंट टाइट नहीं होगी। तो प्लाजो के इस मेथड में हमें सिर्फ 4 नाप की जरूरत होगी, जो कि हमने ले लिए। पहला लंबाई, जो कि मेरी 40 इंच है। दूसरा हिप राउंड, जो कि मेरा 40 इंच है। तीसरा घुटने की गोलाई, जो कि मेरी 18 इंच है। और चौथा बॉटम यानी मोरी, जो कि मेरी 12 इंच है। अब मैंने इसके लिए 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई में इसको फोल्ड करना है, मतलब कि इसके जो दोनों किनारे हैं किनारों को मिला के रखना है। तो इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि ये फोल्ड अगर आप खड़े में लेंथ वाइज करोगे तो ये आपको फिटिंग में पैंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको विड्थ वाइज, मतलब चौड़ाई में फोल्ड करना है। अब इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको साइड से और नीचे से फोल्ड करके लिया। अब ये जो खुली वाली साइड है यहाँ से मैं नाप डालूंगी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे कपड़ा है तो एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब उस लाइन के नीचे 2 इंच नीचे एक मार्क करना है। ये जो हमने 2 इंच नीचे मार्क किया है, ये बेल्ट, इलास्टिक, जो भी आप लगा रहे हो प्लाजो में, उसके लिए जगह छोड़नी है। तो ये मैंने 2 इंच छोड़ दी। अब वहाँ से टेप को पकड़ना है, नीचे तक लंबाई नापनी है। तो आपने देखा था हमारी पूरी लंबाई आई थी 40 इंच, तो बस 40 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। जितनी भी आपकी पूरी लंबाई आई है उतना आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब उस मार्क के नीचे हमें मोरी को फोल्ड करना होता है, तो उसके लिए 2 इंच छोड़ दीजिएगा। तो उसके नीचे मैंने 2 इंच पर मार्क किया और यहाँ पर सीधी लाइन बना दीजिएगा, मतलब कि बॉटम को हमें फोल्ड करना होता है, तो उसके लिए मैंने 2 इंच छोड़ा। अब देखिएगा, मैंने बीच में लंबाई नापी, 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा और 2 इंच नीचे मोरी के लिए छोड़ा। इस प्रकार ये हमारा नाप रहेगा। अब यहाँ पर आपको हिप का 4th हिस्सा लेना है और उसमें 1 इंच ज़्यादा का लेना है, मतलब कि 40 इंच हिप है, उसका 4th हिस्सा 10 इंच हुआ,
उसमें मैंने 1 इंच मिला दिया लूजिंग के लिए, और यहाँ पर मैंने 11 इंच पर मार्क चढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ ये हमने 11 इंच पर मार्क किया है, तो हम हमारा आसन मतलब क्रॉस की लंबाई भी 11 इंच ही लेंगे। जितना हमारे कमर की ओर है उतना ही हमने आसन भी लिया है, तो 11 इंच पर हमारे क्रॉच हो गया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ये ऊपर वाला जो पॉइंट है यहां से सीधी लाइन नीचे की ओर खींच देनी है। तो ऊपर की ओर हमने 11 इंच पर मार्क किया था और आसन की ओर भी हमने 11 इंच पर मार्क किया, यानी कि ये दोनों नाप सेम होंगे। अब यहां पर हमें हिप का तीसरा हिस्सा लेना है। जैसा कि मेरा हिप है 40 इंच, उसका तीसरा हिस्सा होता है 13.5 इंच, तो ये मैंने 13.5 मतलब 13.5 इंच पर मार्क किया, और यहां पर हमें गोलाई देनी है। अब देखो यहां से यहां जितना भी है उसके और टेप को रख दीजिएगा और टेप को बीच में मोड़ दीजिएगा, और यहां पर पॉइंट लगाना है, मतलब कि हमने सेंटर पॉइंट निकाला। अब टेप को हम वैसा ही रखेंगे मोरी की ओर यानी बॉटम की ओर, और वहां पर भी एक सेंटर पॉइंट लगा देंगे। तो ये दोनों सेंटर पॉइंट मिला दीजिएगा, मतलब सीधी लाइन खींच दीजिएगा। अब यह हमने सेंटर की लाइन बना दी। अब देखिए बॉटम यानी मोरी थी हमारी 12 इंच, उसका आधा होता है 6 इंच, तो मैंने 6 इंच पर टेप को पकड़ा और 6 इंच पर मैंने टेप को मोड़ दिया इस तरह से, और ये मोड़ा हुआ टेप मैंने इस साइड में रखा मार्क किया, दूसरी साइड में रखा मार्क किया। इस तरह से हमें 3-3 इंच के ये दोनों पॉइंट मिल गए, जो कि हमारी मोरी होगी यहाँ पर 6 इंच और पूरी गोलाई में होगी 12 इंच। अब हमें शेप पट्टी से शेप देना होता है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो मैं एक यहाँ पर दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। तो देखो टेप को आपको इस तरह से सेंटर में रखना है नीचे तक, ये है हमारी 40 इंच लंबाई। छोटा सा ब्रेक लेके मैं आपको मीशो के बिजनेस के बारे में बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो ऐप की लिंक दे दी है, वहां से इसे डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिलेंगे, इसमें से आप जो भी चीज बेचना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैंने साड़ी को सिलेक्ट किया। अब मैंने शेयर के बटन पर क्लिक किया और इसको व्हाट्सएप पर शेयर किया, सारी इमेजेस यहाँ पर चली गई। इनके डिटेल्स के लिए बैक बटन दबाइएगा, ये डिटेल्स अपने आप यहाँ पर आ जाती है, बस उसको फिर से शेयर करना है। अब यहाँ पर आपको किसी एक साड़ी का ऑर्डर मिल जाता है, बस उस साड़ी का जो कोड होता है वो ऐप के ऊपर टाइप कीजिएगा, साड़ी ओपन हो जाएगी, उसको ऐड टू कार्ट कीजिएगा जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और यहाँ पर कितनी साड़ियाँ चाहिए और उसका साइज दोनों भी लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद यहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ले लीजिएगा, मतलब ऑर्डर मिलने के बाद पैसा, और प्रोसीड बोल दीजिएगा। प्रोसीड बोलने के बाद अब बारी आती है आपके मार्जिन की। अब इस साड़ी की ओरिजिनल कीमत है 274 रुपए और मैंने डाला है 374 रुपए, मतलब मेरा 100 रुपए का मार्जिन होगा। अब मुझे यहाँ पर मार्जिन डालने के बाद प्रोसीड बोलना है, और फिर यहाँ पर आपको दो एड्रेस डालने हैं। एक है शिपिंग एड्रेस, मतलब जिनके पास ये साड़ी पहुँचानी है उनका एड्रेस, और सेंडर एड्रेस मतलब आपका पता, मतलब कि ये बिजनेस आप चला रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ पर डालना है। इस प्रकार दोनों एड्रेस डालकर यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद प्रोसीड कर दीजिएगा और प्लेस ऑर्डर बोलिएगा, और ये ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका सक्सेसफुली। और अब उस ऑर्डर को पहुंचाने का काम मीशो खुद करेगा, उनसे पैसे लेने का काम भी मीशो खुद करेगा, और इन सब प्रोसेस में मीशो का नाम कहीं पर भी नहीं जाएगा। ये तो ऐसा ही लगेगा कि आपका ऑनलाइन शॉप है और वहां से इन्होंने ये खरीदा है। अब आपने जो भी मार्जिन कमाया है कपड़े बेचकर या जो भी सामान बेचकर, वो मार्जिन मीशो आपके बैंक अकाउंट में डालेगा हर हफ्ते। तो उसके लिए आपको अकाउंट के बटन पर टच कीजिएगा और यहाँ पर माय बैंक डिटेल्स में जाकर आपके कुछ बैंक डिटेल्स भर दीजिएगा, ताकि मीशो आपको हर हफ्ते आपका पेमेंट कर सके। मीशो ऐप के बारे में अधिक डिटेल में जानने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब टेप को आपको बीच में से मोड़ देना है। अब ये हम बीच में क्यों मोड़ते हैं, इससे हमें कौन सा नाप मिलता है? तो ये हमें घुटने की लंबाई का नाप मिलता है। जितनी भी आपकी लंबाई है उसका आधा कर दीजिएगा,
इससे जहां पर आपने घुटने की गोलाई ले ली है उसकी लंबाई का नाप मिलता है। अब फिर से टेप को मैंने एक बार मोड़ दिया और यहां पर मैंने दूसरा मार्क किया, ये दो मार्क हमें मिल गए। अब यहां पर हमने घुटने की जो गोलाई ली थी वो नापनी होती है, तो देखो 20 इंच पर हमारी घुटने की लंबाई आ रही है। आधा इंच ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी भी लंबाई है उसका आधा कर लीजिएगा, आपको आपकी घुटने की लंबाई मिल जाती है। अब यहां पर आपको घुटने की गोलाई नापनी है। मेरी घुटने की गोलाई मतलब नी राउंड आया था 18 इंच, राइट। अब 18 इंच का आधा होता है 9 इंच, तो 9 इंच पर आपको टेप को पकड़ना है और 9 इंच पर टेप को बीच में से मोड़ देना है, इस तरह से, मतलब 9 इंच का आधा कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने मोड़ दिया और मेरा आ रहा है 4.5 इंच, मतलब 4.5 इंच। तो यहां पर मैं 4.5 इंच पर मार्क करूंगी और दूसरी साइड में भी मैं 4.5 इंच पर, यानी 4.5 इंच पर मार्क करूंगी। तो जितनी भी आपकी घुटने की गोलाई है उसके अनुसार आपको यहां पर नाप डालना है। तो घुटने की गोलाई कैसी लेनी होती है ये तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है, इस तरह से आपको ये नाप मिल जाएगा। अब देखो यहां पर हमारा 4.5 इंच आया है, राइट, यहां पर हमारा 4.5 इंच आया है, तो इससे 1 इंच कम आपको लेना है। आपका जितना भी आया हो उससे 1 इंच कम लीजिएगा। तो मैं 4.5 ऊपर आया था तो 3.5 इंच में यहां पर लूंगी, मतलब मैंने 1 इंच कम कर दिया। आप चाहो तो यहां पर 3.5 या 4.25, मतलब थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने 1 इंच कम किया है, आप 0.75 इंच कम कर भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट मिल गए। पिछले वीडियो में मैंने बॉटम के बेसिस पर आपको ये मार्क्स बताए थे, लेकिन वो भी सही है, वो भी मेथड पूरी तरह से सही है, लेकिन कई लोग जो बॉटम घेरा है वो बहुत कम रखते हैं ऊपर के, और चाहे कितना भी नाप हो, तो आप उस वक्त अपने घुटने की गोलाई के बेसिस पर ये मेजरमेंट्स डालिएगा तो ये बिल्कुल सही से आएगा। अब ये नाप डालने के बाद आपको यहां से इस तरह से शेप देना है। ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको उस पॉइंट से होते हुए शेप देना है, और ये बहुत ही सटीक तरीका है। इसमें आपका कहीं पर भी टाइट नहीं होगा, कहीं पर भी लूज नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग में आपका ये नैरो प्लाजो पैंट बैठेगा। आप इसको स्ट्रेट पैंट भी बोल सकते हो। तो दोनों साइड से मैंने शेप दे दिया। अब ये शेप हम चेक करेंगे शेप पट्टी की मदद से। तो इस तरह से मैंने इसको रखा, तो देख सकते हो आप ये बिल्कुल हमारा सही से आया है। उसी पॉइंट के ऊपर से हमने शेप दिया था, तो शेप पट्टी रख सकते हो और चेक भी कर सकते हो। अब इस साइड में चेक करेंगे, तो यहां से नाप जो शेप जो है वो बिल्कुल सही से आया है, बस यहां पर थोड़ा सा बाहर की ओर चला गया है। तो कोई बात नहीं, बस एकदम हल्का सा बाहर की तरफ चला गया है, तो मैंने सीधा कर दिया। और ये ऐसा क्यों हुआ है, मतलब मार्किंग करते समय अंदर बाहर हो जाए तो ऐसा होता है, तो हम चेक करेंगे। तो यहां पर देखो फिर से मैं एक बार चेक करती हूं, क्योंकि ये 4.5 इंच का जो मार्क है ये मेरा बाहर की तरफ चला गया था मार्क डालते समय, तो इसलिए ये हल्का सा बाहर की तरफ लाइन चली गई थी। तो कोई बात नहीं, हमने इसको सही कर दिया है। अब ये हमारा फ्रंट साइड का पूरा मार्किंग हो चुका, अब हम इसका कटिंग कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट के 2 पल्ले निकाले हैं, अब हम बैक साइड के 2 पल्ले निकालेंगे। तो यहां से देखो, कई लोग बोलते हैं कोने निकल के आते हैं, तो इस तरह से हल्का सा गोलाई में शेप दे दीजिएगा और कट कीजिएगा, आपके जो साइड से कोने निकलते हैं प्लाजो पैंट के वो नहीं निकलेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैटर्न हो चुका, अब हम बैक पैटर्न का कटिंग करें। तो इसके ऊपर मैंने पिंस लगा दिए थे कटिंग करते समय, ताकि ये हिले नहीं। अब देखो इस साइड का कपड़ा मैंने बिछा दिया, और यहां पर मेरे कपड़े की चौड़ाई ज्यादा थी, इसलिए यह पूरा पैंट का जो पैटर्न है मेरा इस साइड में पूरा कवर हो चुका है। आपकी चौड़ाई अगर कम है तो आप इसको हल्का सा इस तरह से ऊपर उठाकर रख दीजिएगा, आपका बैठ जाएगा। तो यहां पर मेरा कपड़े का जो पन्ना है वो 60 इंच, मतलब 60 इंच का है, इसलिए मेरा ये चौड़ाई में इस तरह से बैठ चुका है। अब हम यहां पर फोकस करेंगे ऊपर की ओर। यहां पर देखो, इस साइड से आपको जैसा है वैसा रखना है, इस साइड में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी आपके चेंजेस होंगे वो आसन वाली साइड में होंगे, मतलब इस साइड में होंगे। अब देखो यहां से यहां आपको डिस्टेंस नापना है, तो ये मेरा 2.5 इंच है, मतलब 2.5 इंच। आपका 2 इंच भी आ सकता है, 1 इंच भी आ सकता है, या 3 इंच भी आ सकता है।
आपके हिप साइज के अनुसार। तो मेरा आ रहा है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच। अब इतना ही अंतर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगी बैक पैटर्न के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया और ये सीधी लाइन बना दी। अब उतना ही अंतर हमें ऊपर की तरफ लेना है, मतलब ये 2.5 इंच मैंने यहाँ ऊपर की तरफ भी ले लिया और यहाँ पर भी मैंने लाइन बना दी। अब यहाँ से मैं सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच दूंगी। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच दी। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है इस तरह से। तो इस प्रकार ये हमारा बैक का कटिंग होगा। तो आप देखिएगा 2.5-2.5 इंच यानी ये तीनों मार्क्स हमारे सेम होंगे, जितने भी होंगे। मेरा 2.5 इंच आया था, जैसा कि मैंने कहा आपका कम या ज़्यादा भी आ सकता है। अब हमें यहाँ से, यहाँ मेरा 2.5 इंच है मतलब 2.5 इंच है, तो यहाँ ऊपर की तरफ भी मैं 2.5 इंच बढ़ा दूंगी। पीछे का पल्ला इस तरह से हम चढ़ाकर काटते हैं क्योंकि बैठते समय ये नीचे की तरफ ना आए, तो इस तरह से हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ हम इस कोने तक तिरछी लाइन खींचेंगे। तो ये बराबर से मैंने लाइन खींच दी। देखिए ये मैंने 2.5 इंच लिया, ये भी 2.5 इंच था, ये भी 2.5 इंच था और ये भी 2.5 इंच था। तो ये सारे नाप हमारे सेम होंगे। अब ऊपर का तो हो गया, अब हम यहाँ नीचे की तरफ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको पीछे का पल्ला 2-2 इंच बढ़ा कर लेना है और ये 2 इंच हर साइज के लिए लेना है। आपका चाहे साइज कितना भी क्यों ना हो, आपको यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर लेना है नीचे की तरफ। 2 इंच बढ़ा कर क्यों लिया, क्योंकि आगे के पल्ले में यानी फ्रंट साइड में हमने कोई सिलाई मार्जिन मिलाया नहीं था। तो आगे का 1 इंच सिलाई मार्जिन मतलब दोनों साइड का 1/2 इंच मिलाकर 1 इंच होता है और पीछे की साइड का 1 इंच। इस प्रकार ये 2 इंच हम बढ़ा कर लेते हैं। अब ये पूरा मार्किंग हमारा हो चुका पीछे के पल्ले का यानी बैक साइड का। अब हम कट करेंगे। तो जैसा कि कहा इस साइड से जैसा है वैसा कट करना है और इस साइड से हमने जिस तरह से मार्क किया है वैसा कट करना है। तो इस प्रकार हमारा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके। इस साइड में मेरा फोल्ड था बैक पैटर्न में, तो वो फोल्ड कट कर देना है क्योंकि दोनों पैर के हिस्से अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार ये फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो चुके हैं। और इस प्लाजो पैंट में आप कमर की ओर गोलाई में पूरा इलास्टिक भी लगा सकते हो या फिर आप आगे की तरफ बेल्ट लगाकर सिर्फ पीछे की तरफ इलास्टिक लगा सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं इस प्लाजो में आगे की तरफ बेल्ट लगाने वाली हूँ और पीछे की तरफ इलास्टिक लगाने वाली हूँ और इसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी। तो आप इसका स्टिचिंग का वीडियो भी जरूर देखिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।